हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। गाइस, टाइम लॉस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी सबसे रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडियक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर रखा है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्स, ओके, नंबर सेवन। और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस मुझे दिखे हैं, या तो ये सेवन्थ चक्रास ब्लॉकेजेस हैं, या फिर ये ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है। ब्लॉकेज यहाँ पर डेफिनेटली है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को डिफेंड कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेक्टिव नेचर के कारण, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर और थोड़ी सी सेल्फिशनेस के कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं कि ऐसे बिहेव से और ऐसे ही बिहेवियर से पास्ट में भी आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुए हैं इस बात को लेके। सो आपके पर्सन है जो कि राइट नाउ खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ये मतलब ऐसा समझ लीजिए ये आपकी तरफ एक्शन भी इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये नहीं चाहते। अगर ये मान लीजिए अगर ये एक्शन लेते हैं, आगे से होके आपकी तरफ आते हैं, तो कल को अगर आपकी बात बिगड़ती है, कोई भी बात अगर ऊपर नीचे होती है, तो कल को आप ये ना कह दो उनसे कि तुम ही मुँह उठा के आए थे जनाब, तो ये क्या है। इसलिए खुद को डिफेंड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप आगे से अप्रोच कर लें ताकि फिर कल को ये आपको बोल सके कि देखो मैं नहीं आया था, तुम ही आई थी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा रहे अपना, इतना तो भगवान जी ने दिया भी नहीं होगा जितना ये चला रहे हैं। पेशेंस, दैट्स व्हाई तभी आपके पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं। नंबर 14, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 1 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जनवरी का महीना, यहाँ पे जुलाई ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मई और अप्रैल आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन पेशेंस रखे बैठे, मैंने कहा ना ये वेट कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले लें, आप आगे से अप्रोच कर लें ताकि फिर ये आगे चल के आपको बोल सके कि देखो मैं इतना पागल नहीं हूँ तुम्हारे पीछे जितना तुम पागल हो, तो मेरे कंट्रोल में रहो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे। सो हो सकता है, देखिए किस किसी इंसान का ऐसा नेचर होता है, वो कुछ ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आगे से आपको अप्रोच करते हैं तो फिर आप इनसे कोई बातें मनवा सकते हैं अपनी, है ना। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें माने, आप इनके कंट्रोल में रहे, और ऐसा तब भी पॉसिबल होगा जब आप आगे से इनको अप्रोच करें और ये थोड़ा भाव खाए, फिर ये कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, जबकि मरे जा रहे हैं खुद आपसे कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दिमाग से चल रहे हैं जनाब, आगे तक की सोच रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ फायर, वाओ वाह वाह वाह। आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, नंबर 9, सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो गाइस, आपके जो पर्सन है ना, मतलब क्या बताऊँ, एक नंबर के डरपोक, सच्ची में डरपोक, मतलब इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इनको ये डर है कि कल को आप ये बोल दोगे तो, अगर मैंने एक्शन ले लिया कल को आप वो बोल दोगे तो, ये ना इसके चक्कर में ना इन्होंने आपको भी अटका के रखा है और खुद भी अटके पड़े हैं। ये भी खुश नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये खुश नहीं है, फियर है इस इंसान के मन में। देखते हैं क्या फियर है, क्लियर करते हैं। हे राम जी, आपने ये तो बता दिया फियर है, अभी ये और बता दो कि फियर क्या है। फियर बताइए, फियर क्या है। जय सिया राम। ओहो, नंबर 15, टेम्पटेशन, एंड वन मोर कार्ड प्लीज, पेज ऑफ एयर। देखिए गाइस, ये इनको नहीं लगता कि आप इनको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको नहीं लगता, दैट्स व्हाई ये वेट कर रहे हैं, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपसे कोई किसी हिंट की उम्मीद कर रहे हैं, ये आपसे किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई साइन दो, आप इनको कोई हिंट दो, फिर ही आपको ये भी आपको इनडायरेक्ट थोड़ा सा अप्रोच कर सके, या फिर ऐसे डीपी ऐसे स्टेटस लगा देंगे ताकि आप मजबूर हो जाओ इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए। कुछ लोगों का मैं क्या बताऊँ, दिमाग ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा तो उनका काम नहीं चलता जैसा उनका दिमाग चलता है।
देखिए आपके पर्सन का अभी जितने कार्ड्स मुझे मेरे सामने आए हैं इनके अकॉर्डिंग मैं आपको इतना तो क्लियर कर देती हूँ, आपके पर्सन मास्टरमाइंड है, दिमाग से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि एक सजेशन है, आप भी थोड़ा दिमाग से काम लीजिएगा, प्यार में मत बहिएगा, प्यार की इन लहरों में कहीं बह के कहीं और मत चले जाइएगा, फिर वहां से वापस आने का आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो आप क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आपके जो पर्सन है ये दिमाग से चल रहे हैं, इनका ये है, इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं, या तो आप लोगों ने नोटिस किया, अगर नहीं किया तो ये करने वाले हैं। पता है क्या करने वाले हैं, बताती हूँ, ये कोई ऐसा सैड स्टेटस रख देंगे, कोई ऐसे सैड डीपी रख देंगे, या फिर कुछ ऐसा डीपी या स्टेटस या किसी के थ्रू आपको ऐसे मैसेज पहुंचा देंगे, किसी के थ्रू या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ऐसा रख देंगे। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, जैसे मान लीजिए इस इंसान का बहुत ज़्यादा मन है आपको, आपसे बात करने का, आपको अप्रोच करने का, तो ये इंसान क्या करेगा, ये आपको मजबूर करने के लिए आपको मजबूर करेगा कि आप आगे से कांटेक्ट कर लो, और फिर ये क्या करेगा, ओहो, फिर लगाएगा सैड स्टेटस, क्या कौन सा स्टेटस, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना है। तो मतलब ये लिटरली आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसा सैड स्टेटस देखिए आप हो जाओगे मेल्ट, आप पानी पानी, अरे मैम बहुत सैड है, ये सैड स्टेटस मेरे लिए लगा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं मैम हमें, चलो मैं ही कर देती हूँ मैसेज, क्या प्यार में, क्या ईगो, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ मुझे पता था ये गिरने वाला है, मुझे पता था, जब भी कोई सही बात कर रही होती है ना, नोटिस करना, ये गिरता है, क्यों, क्योंकि ये आपकी पर्सन की साइड में है, तो इसको साइड में ही करते हैं, हट चल हट, कौन सुनता है। ओके, आपके पर्सन की साइड ले रहा है ये, मैंने नोटिस कर लिया ये, वैसे मैं इसको नमक नहीं डालती वरना मैं इसको नमक हराम बोलती, लेकिन जो भी है ये टेबल हराम है, ये मेरी टेबल पे बैठा रहता है लेकिन सारी बातें सुनता रहता है, और पक्ष किसकी लेता है, आपके पर्सन के। चलो साइड में करते हैं इनको। सुनो आपके जो पर्सन है फिर वो आपको ऐसा इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दिमाग से खेल रहे हैं, और आप बन जाते हो इमोशनल फूल, आप सोचते हो मैम प्यार में क्या ईगो, क्या इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या मैम प्यार सच्चा रिश्ता वो ही है, फिर ऐसी ही रील, बाकी कमियां पूरी कर देते हैं ये इंस्टाग्राम पे, ये रील्स, वो रील है ना, ऐसे रील में भी अगर आपके सामने आ जाएगी तो आप मतलब एकदम से फुदकने लग जाते हो कि अरे मुझे तो मैसेज कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। कौन सी रील, वो रील है ना कि रिश्ता वो ही बचाता है, नहीं क्या, आगे से कॉन्टैक्ट वही करता है जिसको रिश्ता निभाना होता है, और आप तो जैसे जैसे सत्य मूर्ति हैं, सत्य की मूर्ति, मतलब बहुत प्योर हार्टेड है, प्योर सोल है, तो आपको तो सबूत देना है ना, फिर आपको तो प्रूफ करना है कि हाँ, आपको तो प्रूफ करना है, आपको प्रूफ देना है कि हाँ मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं बहुत सच्चे मन से इस रिश्ते को निभा रही हूँ, मुझे सच्चे रिश्ते इस रिश्ते को सच्चे मन से निभाना है, इसीलिए मैं कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, और फिर आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, फिर क्या, फिर पता है क्या, ये बंद मुट्ठी लाख की खुली तो राख की, फिर वैल्यू खत्म, इस इंसान की इनसिक्योरिटी खत्म, मतलब फिर ये आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेता है ना कि अरे चुटकी का काम है मेरा तो इस इंसान को मेरी तरफ लाना। तो ऐसे चंगुल से बचिए, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में। सो आज मुझे पता नहीं लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ऐसी हरकत कर सकते हैं, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एट ऑफ अर्थ, एट ऑफ अर्थ के कार्ड को क्लरिफाई करिए। ओके, यहाँ पे मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी दिख रहा है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी का महीना भी, एंड अप्रैल में बता सकती हूँ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लरिफाई कीजिए। जय सिया राम। अरे निकलो गाइस, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या आपको भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं दिखाती हूँ, वाव, लिटरली वाव गाइस, लिटरली वाव।
ये आपके पर्सन सुधर कैसे गए? अच्छा, ये ऐसे नहीं सुधरे हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, आप वैसा करना, ध्यान रखना, आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना है, वरना ये बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा इनको, ये फिर से उसी ट्रैक पे आ जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या देखा और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। लिटरली मैंने देखा कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये इस कनेक्शन पे अभी काम करना चाहते हैं, ये अभी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पास्ट में इस इंसान ने अगर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया था, बट अभी ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन में इस इंसान को सक्सेस चाहिए। फॉर ऑफ वांट्स विद सिक्स ऑफ फायर मुझे क्लियरली बता रहा है कि कमिटमेंट आपको मिल सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी पर्सन आपको कमिट करे, आपको शादी का ऑफर दे, या आपको स्ट्रॉन्ग एक स्टेबल ऑफर आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस इंसान को इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट करना है। इस कनेक्शन में आप इनको सक्सेस चाहिए एट एनी कॉस्ट, लेकिन ये जो सक्सेस है, ये जो कमिटमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट अभी ये करने वाले हैं इस कनेक्शन में, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पूछिए क्यों, इसका भी रीज़न है, रीज़न मैं दे दूंगी आपको, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रही हूँ। रीज़न देखिए, यहाँ से देखिए एंड में ये आपको सक्सेस इनको मिल रही है इस कनेक्शन में, ये चाह रहे हैं सक्सेस इस कनेक्शन में। उससे पहले देखिए इस इंसान ने खुद को प्रोटेक्ट भी किया है, ये पेशेंस रखे हुए भी बैठे हैं और इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ है। तो अभी मैं बताऊँ ये कमिटमेंट कब आएगा, तो मैं बता दूँ ये कमिटमेंट पहले तो ये अभी जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, ये डिफेंसिव मोड में है, ये पहले इस डिफेंसिव मोड से बाहर निकलेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, ये इनसिक्योरिटीज जो इनके मन में है, इन इनसिक्योरिटीज से, ये जब इनसिक्योरिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जब आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे, जब आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपके पर्सन के मन में ये इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ेंगी, और जब ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेंगी, इनके मन में डर होगा आपको खोने का, फिर ये इन्वेस्ट करेंगे, इस कनेक्शन पे काम करेंगे। जैसे ही मैंने बोला लाइट देखो कितनी तेज हो गई, ठीक है, ये कन्फर्मेशन है। अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, मैसेजेस देखते हैं। मेरी इतनी रीडिंग्स देखने के बाद भी अगर आप इमोशनल फूल बनते हैं गाइस, तो इसमें इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा नाम, कम से कम मेरे नाम की लज्जा रख लो, मेरा नाम मत डुबाओ। सो इमोशनल फूल नहीं बनना है, प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन सामने वाले का ये भी तो देखिए, सामने से कितना प्यार रिस्पेक्ट आ रहा है रिटर्न में। वैसे मेरे पास मैंने एमकॉम किया है, सो मुझे क्या है, हिसाब अच्छे से करना आता है, हर चीज़ में मैं हिसाब ही देखती हूँ, चाहे वो रिश्ते क्यों ना। देखिए रिश्ते भी तभी चलते हैं जब एनर्जी बैलेंस में हो, ऐसा नहीं है ओवर गिविंग हो और बहुत ज़्यादा लेने वाली ही एनर्जी है, देने की नहीं है, या फिर देने बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है, रिसीविंग एनर्जी नहीं है। तो देखिए बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो हिसाब रखिए हर चीज़ का। अभी हमारे कुछ व्यूअर्स के दिमाग में ये बात आ रही है कि मैं वो प्यार ही क्या जिसमें हिसाब किया जाए, तो उनसे तो मैं यही कहूँगी, तो फिर ना आगे चल के फिर मुझे मत कहना कि मैम हमने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उधार लेके इस इंसान को पैसे दिए, इसको ज़रूरत थी, मैं इसके घर पे जाके रोटियां सेक के इनको खिला के आती थी, गर्म गर्म खाना, इनकी जब तबीयत खराब होती थी तो मैं इनका सर दबाती थी, काश मैं उस दिन गला दबाती थी। अरे मैं तभी बोल रही हूँ कि आगे चल के आपको रिग्रेट ना करना पड़े, तो थोड़ा सा दिमाग भी काम में लीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आपका मानना ये है कि मैम वो प्यार ही क्या जिसमें दिमाग लगाना पड़े, तो मैं यही आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि भगवान जी ने हमें दिमाग क्यों दिया है, बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है, किस लिए दिया है ये दिमाग, सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ जॉब के लिए? ओके, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैसेज देखते हैं। आई कंट्रोल माई सेल्फ फॉर कमिंग टूवर्ड्स यू, हमें तो पता ही था, पेशेंस रखे बैठे नालायक, एक नंबर के नालायक, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक नंबर के नालायक हैं आपके पर्सन, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि दिमाग जो ज़्यादा चल रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आप इनिशिएटिव लें। और अगेन मैं बता दूँ, डोंट डू गाइस, डोंट डू, आई कांट कम बैक राइट नाउ, ये नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि दिमाग ज़्यादा चल रहा है। जय सिया राम, हे राम, ऐसे लोगों से राम जी बचाए। आई एम मिसिंग योर स्माइल, आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
कहा था ना स्पाई कर रहे हैं। यू आर ट्रू पर्सन, आपको एक ट्रू पर्सन देखते हैं। आप बहुत सच्चे हो, मन के बहुत सच्चे हो। आप इजीली माफ कर देते हो, आप इनकी बातों में इजीली आ जाते हो। आप जैसा इंसान इस घोर कलयुग में मिलना इजी नहीं है, इजी नहीं है। मोहिनी का डांस इजी नहीं है, वो है ना क्या, वैसा ही तो इजी नहीं है। आपको आप जैसा इंसान इस घोर कलयुग में मिलना, आपके जैसा इंसान मिलना हलवा है क्या, जो 2 मिनट नहीं मैगी है क्या, जो 2 मिनट में बना ली। वैसे मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, क्या बोलूँ, 2 मिनट में बनता हूँ, 2 मिनट में तो पानी गर्म होता है। यू आर इन माई डेस्टिनी, सो आप इनकी डेस्टिनी में है। ऐसा इनको विश्वास है कि आप इनकी किस्मत में है, आप कहीं नहीं जाने वाले गाइस, कहीं नहीं। ऐसा ये सोचते हैं। लास्ट आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू, आपके पर्सन अभी आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या करूँ, ये सब कुछ करना चाहते हैं अभी आपके साथ। ओके अभी सॉन्ग देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। अभी शाम हो गई है, ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ओके वाह, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग आया, आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग आया है। मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जाने जाना अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। सो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनको आपके दिल में रहना है, रहना है तेरे दिल में। ये रहना है तेरे दिल में मूवी भी है और इसी का ये सॉन्ग भी है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस, देखिएगा ज़रूर मूवी भी और ये सॉन्ग भी। ये आपकी पर्सन की फीलिंग है। अभी मैं आप लोगों को क्या करना चाहिए ये देख लेती हूँ, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। किसने किया है ये जादू, होने लगी हूँ बेकाबू, मैं बन के दीवानी, फिरती हूँ क्यों मैं तो ना जानू। कहना है आज तुझसे, रहना है तेरे दिल में, रहना है बेकरार दिन है प्यासी, रहना है एक पल कहीं ना मुझको चैना है। ओके यू योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, आपके जो यूनिकॉर्न है क्लोजनेसनेस, ये एंजल्स आपके पास है, आपके आसपास एंजल्स है गाइस, यूनिवर्स आपके साथ है। सो डोंट वरी, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, साइलेंट रहिए, आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना है, इन्हीं को आने दीजिए, इसी विश्वास के साथ कि ये ही आएंगे, आएंगे झक मार के आप ही की तरफ आएंगे, इन्हीं को आना पड़ेगा, इस विश्वास के साथ। अपने काम में बिजी रहिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स आपके साथ है। सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।